तो अब इसकी दिशा बदलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष में सियासी गुना भाग शुरू हो गया है। इसी बीच कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसते हुए आज से बेंगलुरु में होने वाली दो दिवसीय दूसरी विपक्षी एकता बैठक के लिए 26 दलों का समर्थन जुटा लिया है। इसमें पहले दौर की बैठक आज और दूसरे दौर की बैठक कल यानी 18 जुलाई को बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में होने वाली है। आज रात विपक्षी पार्टियों के लिए एक साथ डिनर का आयोजन है, जिसके बाद कल सुबह 11 बजे मेगा बैठक शुरू होगी। इस बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू यादव, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन समेत विपक्ष के कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु की सड़कों पर विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और जयंत चौधरी तक की फोटोज हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली स्थित अपने आवास से रवाना हुए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि विपक्ष की बैठक 2024 के लिए विमर्श बदल देगी। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले महीने की शुरुआत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में विपक्ष की मेगा बैठक बुलाई थी। बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित विपक्षी दिग्गजों ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा विरोधी मोर्चे के रोड मैप पर विचार मंथन किया। पटना बैठक में 16 विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया था और उनमें से 15 ने भाग लिया था, जिनमें कांग्रेस के अलावा डीएमके, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी गुट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, समाजवादी पार्टी, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएमएल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल पटना बैठक के लिए आमंत्रित दलों की सूची में शामिल थे। इनके अलावा कांग्रेस ने एनडीए पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में दूसरी विपक्षी बैठक में 10 नए दलों को आमंत्रित किया है। इनमें एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केडीएमके आदि दल शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बेंगलुरु बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम तय किया जाएगा और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई समितियों के गठन की उम्मीद है, जो गठबंधन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए बैठकें करेंगी। वहीं विभिन्न समूह और उपसमूह भी बनाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच 18 जुलाई को बीजेपी भी घटक दलों के साथ बैठक करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ताधारी एनडीए की इस अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कहा जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन दलों को भी चिट्ठी लिखकर बुलाया है, जो पिछले कुछ साल में विभिन्न मुद्दों पर एनडीए से अलग हो गए थे। बहरहाल, एक तरफ 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्ष एकता का मंत्र लेकर पूरी तरह तैयारियां तेज कर चुका है, वहीं बीजेपी भी विपक्ष को एक बार फिर कड़ी टक्कर देने में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। ऐसे में देखना ये होगा कि 18 तारीख को होने वाली इन दोनों ही बड़ी बैठकों से आगामी चुनाव की क्या पटकथा तैयार होती है। फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के अलावा देश की राजनीतिक गलियारों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक ना जाएं।